पहुंचे और शरीर पर्याप्त साफ पानी गांव और गांव के अंदर पहुंचने का कोशिश करते हैं। राजस्थान कैनाल, राजस्थान की कैनाल आपको याद होगा कि मई के महीने में गर्मी में मैंने पूरे राजस्थान कैनाल का दौरा किया और उस राजस्थान कैनाल का दौरा मैंने पंजाब से चालू किया था जहां ये दूषित पानी की बात आता है भाई और वहां से लेके मैं चलती आई और वहां प्रेशर देख के मैंने ये कोशिश की पंजाब का भी
इंसान को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो वो समय समा कर जाता है। ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, इन सब चीजों में वो पैसा बच जाता है। और पेमेंट ऑनलाइन और एक हफ्ते के अंदर उनको तुरंत ही मिल जाता है। SMS आता है उनको उनके फोन के ऊपर, और उस SMS के द्वारा इनको ये बता दिया जाता है कि वहां किस दिन वो आए और वो आके क्यू में खड़ा होना पड़ता, आते ही आपका पैसा लेते और चले जाते। और राजस्थान के अंदर खरीद केंद्र है 348 सिर्फ, और यहाँ खरीद क्वालिटी में होगी। इसका मतलब आपने उसको तो छोड़ दिया इंस्पेक्टर के ऊपर, इंस्पेक्टर ने आपको परेशान करना है तो बोल दिया आपका क्वालिटी खराब है। और मध्य प्रदेश के अंदर क्वालिटी वालिटी कोई चीज नहीं है, जो गेहूं खुलता है तो गेहूं के दाम देते हैं और 1800 केंद्र के ऊपर उनको दाम मिल जाते हैं, और किसानों के लिए पूरी तरह से सरकार खड़ी हुई। यहाँ किसानों का तो कोई पूछना नाम नहीं है, न बिजली है, न पानी है, न खेत, न खाद है, न बीज है। हमारी दायित्व है, आपकी यूरिया 248 रुपए की हुआ करती थी, आज कितने की है आपकी नहीं है, 400-500 कितना, 550 तक चला गया है। आपका DAP हमारे टाइम में 485 हुआ करता था, आज 1200 किसान के आज कल पेट्रोल के दाम कहा होगा, कहीं
जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों वेत लैब का आवंटन करने की घोषणा किसी को मिली जाती है? हाँ मिली, आपको ध्यान नहीं। देश का दावाद आया था, नाम है रॉबर्ट वाड्रा, आया था बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जमीन ही जमीन लेके गया, सस्ती दर में जमीन और महंगी दर में भेष, भेष मार कैसा बना गया चला गया है। पर हमारे किसान, हमारे गरीब, उनको हमारे पास जमीन देने को नहीं है। अशोक गहलोत को उनको देने को है, परंतु हमारे लोगों को देने को नहीं है। आज यह है स्थिति राजस्थान के अंदर। बंद पड़ी और जमीन इकाइयों को पुनर्जीवित करने की घोषणा की थी आपके यहां जमीन, पांच साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने वाले थे। इन्हें किसी को नौकरी? पेट्रोल और डीजल पर खाने करों में छूट, 2 रुपए और बढ़ा दिए, ये तो हुआ है, देखने को मिला है। पैसा जमा होने पर 30 दिन तक बिजली का कनेक्शन मिल गया, कनेक्शन आपको 30 दिन के अंदर जमा करने के बाद लोग तो कह रहे हैं 2-2 साल के चलते उनको अब तक नहीं मिला है। और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर, पैरा मेडिकल, नर्स में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की घोषणा है, मिले उनको नियुक्तियां के नहीं। पंचायत सेवा केंद्र के माध्यम से हर साल ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की है, किसी को मिली? पंचायत स्तर में, पंचायत स्तर में हमारे समय में मुझे याद है कि सरपंचों को 1 करोड़ रुपया मिला करता था, आजकल 10,000 भी नहीं मिलते। तो सरपंच नाराज हुए और सरपंचों ने कहा चलो अब जाके मुख्यमंत्री को मिलते हैं और हम मुख्यमंत्री को बताएंगे कि बहुत गलत काम है, इस तरीके से सरपंचों को पैसा मिलना चाहिए। पूरे सरपंच इकट्ठा होकर सरपंच सब के अध्यक्ष के साथ जयपुर पहुंचे, उन्होंने वापस आई तो मुख्यमंत्री ने लाठी पड़वाई और पानी से उसको भिगा के और रात भर उसके वहां बिठा के रखा, कुछ ने जेल, कुछ ने मेटेरे मैदान में, और चुपचाप से वापस आए। ये है लोगों के जो सरपंच चुने गए उन लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो जनता के पीछे कौन पूछता है, जनता की क्या होता है। सभी जिला मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की स्थापना की घोषणा हो गई पूरी, आपके यहां हॉस्टल बन गया? ये तो ऐसी घोषणाओं की हालत है, 4.5 साल से आराम से सोते हुए आ रहे हैं, अब 4.5 साल बाद एकदम से जगे, क्योंकि उनको लगा कि अब कौन हमारे सरकार का टाइम आ गया है, अब चुनाव होंगे और चुनाव के अंदर आपको फिर से जीतना है। तो उन्होंने रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया, कुबेर का भंडार खुल गया, कुबेर के भंडार से जितना पैसा चाहिए उसको दे देते हैं, आप उस आइए लेके जाइए। वो तो कह रहे हैं बताओ क्या चाहिए, मैं वो देने को तैयार हूं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 4.5 साल तक क्यों नहीं किया? अगर पेंशन नहीं देनी थी तो 4.5 साल पेंशन क्यों नहीं दी? अगर इनको ये साइकिल देना था तो 4.5 साल ये साइकिल क्यों नहीं दिया? अगर इनको लैपटॉप देना था तो 4.5 साल लैपटॉप क्यों नहीं दिया? आज जब 4 महीने बाकी बच गए चुनाव के लिए तो आप रेवड़ी बांट रहे हो, आपको लगता है कि राजस्थान के आदमी अपनी इज्जत, स्वाभिमान और ईमान को छोड़ के आपके टुकड़ों के पीछे भागेंगे? तो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि राजस्थान का आदमी इज्जतदार स्वाभिमानी आदमी है, उसने भूख सुख मैंने उसने घात की रोटी खाई थी, परंतु हमने ईमान और इज्जत को नहीं बेचा था। और मैं आप ये भी बता दूं आपको, दूर दूर से लोग आते हैं उस राजस्थान की माटी को छूने के लिए। और आज मैंने फेसबुक के अंदर एक बच्चे की लाइन पढ़ी, जिस बच्चे की लाइन में आप लोग बताना चाहते हो, फेसबुक वाले जो भी यहां बैठे हुए हैं जाके उसको जरूर देख लेना। उस बच्चे ने लिखा है मुफ्त में लैपटॉप ले लो, मुफ्त में चावल ले लो, मुफ्त में साइकिल भी ले लो, मुफ्त में बिजली देने की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उसको लग रहा है क्या बचा क्या है सब बिजली बेच जाएंगे। लेकिन रोजगार क्यों नहीं दे रहे? हमें नहीं चाहिए ऐसी रुपया, हमें रोजगार दो, हमको रोजगार दो, हमें चाहिए, हम अपने आप कमाएंगे, हम अपने परिवार को आगे ले जाएंगे, हमें आपके इन रुपयों की जरूरत नहीं है। और फिर वो देखता क्या है, सबसे बढ़िया बात लिखता है देश को भिखारी बना दे, हर हाथ में कटोरा थमा कर ही दम लेंगे। ये इस बच्चे ने लिखा है। मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार का काम है क्षेत्र को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का।
पूरे कांग्रेस पार्टी को छोड़ के अपने साथ आए हैं। आप सभी बेरीवाल पक्ष से होते हैं, सरसों